खरगोन कोतवाली क्षेत्र के भटवाड़ी मोहल्ले में बुधवार सुबह आवारा कुत्तों के झुंड ने बाड़े में बंदी बकरियों पर हमला बोल दिया। यहां 4 बकरियों को नोच नोच कर मार डाला और 2 को घायल कर दिया। रास्ते से गुजर रहे युवक ने कुत्तों को भगाया। बकरी पालक जारा खान ने बताया कि एक कच्चे मकान में वे बकरियां पाल रहे थे। सुबह रहवासियों की सूचना पर पहुंचे तो यहां 4 बकरियां मरी हुई मिली, जबकि 2 जख्मी थी। यहां बाड़े में कुत्ते 3 फीट ऊंची दीवार फांद कर घुसे थे। आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और कुत्तों को भगाया। रहवासियों ने बताया कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रात के समय सड़क से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। नगर पालिका को अभियान चलाकर इन्हें पकड़ना चाहिए। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। सवेरे कुत्ते 10-15 आए और उन्होंने बकरियों पे हमला कर दिया, जिसमें 5 बकरियां स्पॉट पे मारी गई, जिसमें एक बकरी गाबन थी, उसके पेट में 2 बच्चे थे। तो यहाँ कैसा बांध दी थी आपने? यहाँ किराए से ले रखा था हमने, पोड़ने वास्ते दे रखा था उन्होंने। यहाँ तुम बकरियां कौन रखा? क्या कहना चाहोगे? आपका नुकसान हो गया कुत्तों ने? 50,000 का नुकसान है भाई, कम से कम। क्या मांग करते हैं अब आप? किसी जो भी सरकार देना चाहे वो नगर पालिका। नगर पालिका में कई बार आवेदन दिए हैं कुत्तों को पकड़ने के लिए, लेकिन उस पर आज दिनांक तक किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज वार्ड नंबर 15 के अंदर हमारे जल्लाल भाई की 5 बकरियों को, जो कि एक बाड़े के अंदर बंद थी, उनको बकरे मतलब कुत्तों ने बहुत बेरहमी से उनको स्पॉट पर 5 ही मारे। बेरहमी से उनके ऊपर जो है टूट पड़े और 5 ही बकरियों को जो है उन्होंने काट काट के रात में जो है 2 बकरियों को घायल कर दिया, बाकी 3 जो है मर चुकी है। उनके ऊपर इस तरीके से हमला किया कुत्तों ने। अगर ये कुत्तों को नहीं पकड़ा गया तो इंसानों के ऊपर भी ये हमला करते हैं, और इधर कब्रिस्तान रोड पर भी जो है रात में निकलते हैं तो कुत्ते जो है उनके पीछे दौड़ते हैं। इस बारे में प्रकाश चित्ते जी से मैंने कई बार जो है फ़ोन के ऊपर बताया कि सर कुत्तों को आप क्यों नहीं पकड़ा है, तो ये नगर पालिका की लापरवाही है या फिर उनकी खामोशी, इसके बारे में आप वो जाने क्या करना है, कैसे करना। आज गरीब की बकरियां कम से कम 50,000 से 60,000 रुपये का नुकसान हुआ, और ये गरीब जो है अपना जीवन जो है जैसे तैसे यापन कर रहा है, गरीबी रेखा में आता है, तो इसकी जो नुकसान है इसकी भरपाई होना चाहिए। क्या नाम है आपका? नासिर खान, बहुजन समाज पार्टी। हमारा घर पड़ोस में है, कुछ कुत्ते भुकने आवाज़ आ रही थी, बाद में आके देखा हमने तो बच्चों को उसको छोड़ने के लिए तो 15-20 कुत्ते अंदर बाड़े भरा गए और बकरी फाड़ रहे थे, हमने भगाया उनको भी। वो आए दिन बच्चे भी यहाँ से स्कूल जाते रहते हैं, बच्चे भी दशक में रहते हैं, तो बच्चे कुत्ता भी नहीं पकड़ लिया हमको। पहले भी कोई हादसा हुआ था? पहले भी हुआ ना, जब किताब मोरी के पास में भी बच्चों को पकड़ा कुत्ते ने, और रात भर चिल्लाते, रात भर इधर से उधर उधर से भागते रहते हैं वो। नगर पालिका में शिकायत करके भी? हाँ, शिकायत भी करी पहले नगर पालिका में, आए थे पकड़ने वाले मगर वो सफल नहीं हो पाए पकड़ने में उनको। क्या नाम है आप? साजिद खान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।